क्या यही भारत बनाना था? वो कहते हैं विश्व गुरु, अब तो कोरोना गुरु भी बनते जा रहे हैं। राम के नाम पर राम के बच्चों को लड़वाते हैं। क्या रहीम और राम ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान को लड़वाओ? और प्रधानमंत्री से भी अपील करी है, अगर आप भारत माँ के सच्चे सिपाही हैं तो इन सबको बैन करो। पैसा नहीं, आप तो जहर पैसा लेकर जहर बेच रहे हैं। भारत बेच रही, हम नहीं बेचने देंगे। इनके बाप का भारत नहीं है, ये हमने भारत बनाया, कांग्रेस ने भारत बनाया। ड्रग्स आ रही है, ड्रग्स, सोचो के भारत को क्या देना चाह रहे हैं। इधर से भी मार रहे हैं, उधर से भी मार रहे हैं। कहा यूपी नंबर वन, अरे किस चीज में, ये भी तो बताओ। बलात्कार में, महंगाई में, रंगदारी में, मर्डर में, डकैती में। शेख चिल्ली के बारे में आपने सुना होगा, ऐसी बातें शेख चिल्ली करता था। हैं, जहां जांच की दोस्ती थी वहां ट्रंप को जनता ने मारा और भगा दिया। आपने अफगानिस्तान में देखा, पार्लियामेंट का उद्घाटन करा, भारत का पैसा लगाया, वहां भी चलता कर दिया। आज राहुल गांधी यूं जा रहे हैं और मोदी यूं जा रहे हैं, ये देश देख रहा है। किसानों ने जूते, टमाटर, सड़ा तेल और लठभर तेल लगा रखा है। इनके नेता जाए तो जनता के बीच में। अब की बार 300 बार का नारा भूल जाओ, अब की बार भारत से बाहर। कहा था कांग्रेस खत्म कर देंगे, इनके बाप में दम नहीं है। कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस एक सोच है। प्रधानमंत्री का इतना बुरा हाल कर देगी देश की जनता, क्योंकि इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। सत्ता बनानी आती है छल से, कपट से, धोखे से, धड़ी से, ईवीएम से, पर चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। नमस्कार, मैं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नजारा बदल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो है पूरे फॉर्म में दिख रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को दबोचा जाए। वहां पर अपनी सीटें जो है, मैक्सिमम सीटें जो है वहां पर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स कैसे, किस तरीके से लाया जाए। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद थी और अपनी दावेदारी लगातार ठोक रही थी। तो एक बड़ा प्रश्न है, इधर से किसान नेताओं का ये कह देना कि राहुल गांधी, जब उनसे पूछा जाता है राकेश टिकैत से क्या इस देश में राहुल गांधी पीएम का वो बड़ा चेहरा, तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। तमाम सारी बातें हैं, लेकिन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राहुल प्रियंका गांधी, एक सेना है जिसका अध्यक्ष हैं पंडित जगदीश शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस वर्कर भी हैं, काफी सालों से जुड़े हुए हैं। कैसे देख रहे हो शर्मा जी, चुनाव को कैसे देख रहे हो? जिस तरीके से राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा कि इस देश का जो नेता है वो राहुल गांधी ही है, इन फ्यूचर प्रधानमंत्री के बतौर वो काम कर सकते हैं ईमानदारी के नाम पर, उसको कैसे देख रहे हो आप? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि राहुल गांधी जी, जितना मैं समझता हूँ, सच्चाई के साथ खड़े हैं, अपनी देश की जनता के साथ खड़े हैं, किसान, महिला, मजदूर, नौजवान, व्यापारी के साथ खड़े हैं, क्योंकि मुद्दों की बात करते हैं। सत्ता चाहते तो बहुत देर पहले ले सकते थे, वो सत्ता नहीं देश चाहते हैं, क्योंकि उनके पिताजी का सपना था कि 21वीं सदी में भारत को ले जाना है, जिस पर मजबूती से खड़े हैं, डर नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं डरो नहीं, काम करो, डरना है तो भगवान से डरो और भारत का नाम करो। जिस तरह से वो बेबाक बोलते हैं, सरकार को घेरते हैं, कहते रहे चौकीदार चोर हैं, कहते रहे, कहते थे और कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। अब तो देश भी समझ रहा है कि राहुल गांधी सच्ची भाषा और सच्ची बात कर रहे हैं। कहना कहीं राफेल में, देश में, देश बेचने में घपले तो चल ही रहे हैं। आज आप देखे ना, क्या वादे देश की जनता से किए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे पेट्रोल यू या यू, महंगाई यूं या यूं, पूछते थे लोगों से, हां भरवाते थे कि महंगाई यूं, पेट्रोल यूं, लेकिन आने के बाद क्या हुआ, हर चीज यूं ही चली जा रही है। आज देश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आज सुबह की रोटी है तो दोपहर की नहीं है, दोपहर की है तो शाम की नहीं है, शाम की है तो रात की नहीं है। पूरा देश अपने बच्चों को पालने के लिए रोटी के ही जुगाड़ में लगा हुआ है। क्या यही भारत बनाना था? वो कहते हैं विश्व गुरु, अब तो कोरोना गुरु भी बनते जा रहे हैं। 2.5 करोड़ का आंकड़ा दिखाकर, और आज 70 लाख भी नहीं हुए हैं। सिर्फ विश्व गुरु बनाना था एक झूठे मक्कार आदमी को। मीडिया का भी इसमें दोष है, बड़ा दोष मीडिया का है। मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं, आप जैसे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो मुद्दे और बात को उठाते हैं, आपको मैं सलूट और सम्मान करता हूं, क्योंकि अब मीडिया सोशल मीडिया में ही है। टीवी तो सब बिका हुए हैं, न्यूज चैनल सब बिका हुए हैं, एक आधा जो अपना चीज तो बचाना चाहता है उसको ईडी और सीबीआई का मुकाबला करना पड़ता, डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा ये हैं तो हमारे, पर डर के मारे मोदी जिंदा बात कर रहे हैं। जम्मू में नहीं, उन्होंने महिला के फंक्शन में कहा कि मीडिया के वाले भाई दिखाएंगे नहीं, ये भी कहने के डरे हैं, और कहा डरो मत, जो डर गया वो मर गया। देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए हर आदमी का योगदान होना चाहिए, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे मीडिया के भाई हो, चाहे हमारे जवान हो, चाहे पुलिस के जवान हो,
क्योंकि 21वीं सदी में देश जब जाएगा हम सब इकट्ठा मिलकर काम करेंगे। शर्मा जी आप बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं चारों बगल राहुल गांधी की तस्वीरें, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का तस्वीर है, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और बड़े भगवान के, बड़ा आप लगते हैं ऐसे धार्मिक विचार के लोग हैं। अच्छा, आपने कहा कि राहुल गांधी भगवान से डरते हैं या भगवान को मानते हैं, योगी आदित्यनाथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये लोग भगवान से नहीं डरते हैं क्या? देखिए, दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, राम के नाम पर राम के बच्चों को लड़वाते हैं। क्या रहीम और राम ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान को लड़वाओ? आपने दिल्ली में देखा कितने लोग मरे हैं, इनके पास आंकड़े नहीं है। ये तो धर्म की राजनीति करते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, भारत को बेच रहे हैं, घूम घूमकर बेचना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि हमने जो 70 साल में बनाया है आप उससे ज्यादा बनाओ, नहीं मिलेंगे। आपने अडानी पोर्ट का भी जिक्र अभी देखा होगा, सिर्फ सोशल मीडिया में 9,000 करोड़ का ड्रग्स, क्या करेंगे? क्या चाय बेचने का धंधा बंद करना चाह रहे हैं, छोड़ पिलाना चाह रहे हैं नौजवानों को? हम गोल्ड मेडल के लिए तरसते हैं, उसका कारण यही है कि नस्ली पदार्थ। प्रधानमंत्री जी बंद करो, राहुल प्रियंका गांधी सेना आवाज उठा रही है, गुटके का बैन कर रही है, हर नस्ली चीज का बैन कर रही है, जिससे हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का युवा बर्बादी के रास्ते पर है। और प्रधानमंत्री से भी अपील कर रही है, अगर आप भारत माँ के सच्चे सिपाही हैं तो इन सबको बैन करो। पैसा नहीं, आप तो जहर पैसा लेकर जहर बेच रहे हैं, ये बंद करना पड़ेगा। जब भी गोल्ड मेडल आएंगे और भारत का जवान भारत को 21वीं सदी में ले जाएगा। शर्मा जी एक बात बताइए, राहुल प्रियंका जो सेना आपने बनाई है, राहुल प्रियंका गांधी सेना, इसका मुख्य उद्देश्य आखिर ये संगठन जो है किस लेवल पे काम करती है, क्या है ये संगठन जिसका आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? ये संगठन 1.5 साल पहले बनाया था और आज मैं समझता हूँ हर स्टेट में बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। ये चाहता है कि भारत बचे, देश बचे, कांग्रेस बचे, लोग, किसान, महिला बचे, हर आदमी तरक्की करे। ये उसी रास्ते पे है, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत की नींव को मजबूत करने के लिए और हर जुर्म की आवाज उठाने के लिए जो ये सरकार कर रही है। भारत बेच रही, हम नहीं बेचने देंगे। इनके बाप का भारत नहीं है, ये हमने भारत बनाया, कांग्रेस ने भारत बनाया। चुनौती दे रहे हैं, खुली चुनौती दे रहा हूं, मैं तो देता रहा हूं। आपकी मेरी पहली मुलाकात है पर मैं हमेशा चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलना बंद करो। ये आपको इसलिए नहीं चुना था, इन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हमें ये थोड़ी पता था कि देश से खुद बिकेंगे, तो आज इसको रोकना मेरा और आपका और सभी भारतीय का धर्म है कि इस भारत को बचा लो। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भारत रहेगा तो हम और हमारे बच्चे रहेंगे, वरना वही 1947 हिंदू मुसलमान अंग्रेजों का दौर आ जाएगा। ये तो बेकने बड़ी बड़ी कंपनियां कहते थे काला धन लाएंगे, आज तो सफेद धन भी विदेशों में इनके ही दोस्त ले जा रहे हैं। ड्रग्स आ रही है, ड्रग्स, सोचो कि भारत को क्या देना चाह रहे हैं। इधर से भी मार रहे हैं, उधर से भी मार रहे हैं, महंगाई से भी मार रहे हैं, मजबूरी से भी मार रहे हैं, लाचारी से भी मार रहे हैं। जी अभी अलीगढ़ में प्रधानमंत्री जी ने, सामने आइए, प्रधानमंत्री जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की एक बड़ी यूनिवर्सिटी का घोषणा किया है कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनेगा, जो दान उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दी, जमीनें लीज पे दी, उससे भी कई बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको तैयार करेंगे, क्या ये चुनावी स्टैंड है? घोषणाओं की तो सरकार है ये पोस्टर की, नारेबाजी की, बेवकूफ बनाने की सरकार है। कहा यूपी नंबर वन, अरे किस चीज में, ये भी तो बताओ, बलात्कार में, महंगाई में, रंगदारी में, मर्डर में, डकैती में, अगर कहते यूपी नंबर वन तो आज देश इनका भी सम्मान करता, पर मजबूरी में इनको भी पोस्टर हटाने पड़े। आपने देखा हो रातों रात पोस्टर होल्डिंग लगा देते, यूपी नंबर वन दिल्ली में लगा दिए हैं, दिल्ली में चर्चा कर रहे हैं, फिर इनको शर्म आई, कहीं ना कहीं हमने आवाज उठाई राहुल प्रियंका गांधी सेना ने, और देखिए सारे पोस्टर इनको हटाने पड़े, फिर ये लिखने पड़ा हमने ये काम करा वो काम करा। काश इन्होंने देश को बनाने की बात करी होती, हमारे से अच्छे काम करे होते तो मैं भी उसका सम्मान करता। ये लोग तो सिर्फ देश को तोड़ने की बात करते हैं, राम मंदिर पर राजनीति करते हैं, 370 की चर्चा करते हैं, जरूरत नहीं है इनकी। आज फिर वही देश कहता रोटी कपड़ा और मकान, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, आज देख लीजिए सब बेरोजगार हो गए हैं। माँ गंगा ने बुलाया, कहा आपने देखा, इसलिए थोड़ी बुलाया था कि मेरे बच्चों की लाशें उसमें तरा देंगे, ये तो घुमरा करते हैं देश को। शमशान घाट में जगह नहीं मिली, हॉस्पिटलों में लाइन लगा दी, ऑक्सीजन के लिए जिंदा लोग मरे, कोई नीम पे लटक रहा था, कोई रिक्शा में बैठा था सिलेंडर लेकर, आप सबने देखा होगा। सर आप ये गंगा में लाशें तैर रही थी, लेकिन तो विकास उत्सव मना रहे हैं। देखिए इन्होंने अभी विकास और मनाया, अभी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाकर विकास कर रहे हैं, ये तो उनका धर्म था जिससे फेल हो गए, आज फिर 50-60 लाख पे आ गई है। उस दिन मीडिया ने शोर मचाया, विश्व गुरु
अरे कैसा विश्वगुरु, आप एक शेख चिल्ली को विश्वगुरु बता रहे हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है। शेख चिल्ली के बारे में आपने सुना होगा, ऐसी बातें शेख चिल्ली करता था है। जहां जहां इसकी दोस्ती थी वहां ट्रंप को जनता ने मारा और भगा दिया। आपने अफगानिस्तान में देखा, पार्लियामेंट का उद्घाटन करा, भारत का पैसा लगाया, वहां भी चलता कर दिया। इससे इनको समझना चाहिए अब बारी इनकी है। बंगाल ने ममता में चलता कर दिया, हिंदू मुसलमान ने चलता कर दिया, अब ये कहीं तो यूपी में करेंगे आप चलता उनको बनाएंगे? मैं नहीं कहता मैं करूंगा, कांग्रेस करेगी, पर देश की जनता जरूर उनको चलता करेगी। देश की जनता समझ गई है कि देश के हित में राहुल गांधी है या मोदी है। आज ग्राफ देख लीजिए, आज राहुल गांधी यूं जा रहे हैं और मोदी यूं जा रहे हैं, ये देश देख रहा है। योगी सरकार तो ताल ठोक ही रहा है ना, इस बार 300 पार, जिसे पश्चिम बंगाल में कह रहे थे कि 200 पार अमित शाह जी, इस बार कह रहे हैं योगी सरकार की 300 पार भाजपा सरकार। किसानों ने जूते, टमाटर, सड़ा तेल और लठबत तेल लगा रखा है। इनके नेता जाए तो जनता के बीच में, आपने देखा होगा हरियाणा जहां भी जा रहे हैं आगे आगे इनके नेता, पीछे पीछे किसान, जवान, मजदूर, हर आदमी इनको घेर रहा है। अब की बार 300 बार का नारा भूल जाओ, अब की बार भारत से बाहर, अब की बार भारत से बाहर। नहीं तो आप करेंगे, आप करेंगे, कौन करेगा भारत से बाहर जो लगातार आप ये कह रहे हैं सर? ये भारत से बाहर मैं नहीं, देश की जनता करेगी। कहा था कांग्रेस खत्म कर देंगे, इनके बाप में दम नहीं है। कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस ने शहादत दिए देश के लिए, देश को बनाया है। भारत उनको देश की जनता करेगी, वो समझ गए हैं। अगर आने वाले 2 साल में दाव से कहता हूं प्रधानमंत्री का इतना बुरा हाल कर देगी देश की जनता, क्योंकि इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। सत्ता बनानी आती है छल से, कपट से, धोखे से, धड़ी से, ईवीएम से, पर चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। ये तो बीजेपी के या गोदी मीडिया कह रही है, हमने तो ईमानदार छवि के नेता को, जमीन से जुड़े नेता को, जो जनता के बीच में रहने वाला है, जनता की बात मानने वाला है, उसने कह दिया मैंने साइकिल और रिक्शा भी चलाई है, किसान का बेटा हूं, कह दिया किसान के साथ खड़ा हूं, ऐसा ही नेता बनाना था। दलित की बात तो किसने करी? अकाली दल ने मायावती से बात करी, और प्रधानमंत्री ने बीजेपी ने कहा हम अपना दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। पर इसमें भी देखिए राहुल गांधी ने तो बना दिया है, चाहे दलित कहिए कुछ कहिए, पर बना दिया है। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, वादे करने हमें नहीं आते।